अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाउ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं मिर्ज़ा सही के बारे में। ये अदाकार कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनके बारे में जानेंगे मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाउ पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिर्ज़ा सही पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और 11 अक्टूबर 1931 को कराची में पैदा हुए। व्यूअर्स, इन्होंने बेशतर ड्रामास में काम किया, एट दी वेरी यंग एज बेशतर मूवीज़ में काम किया, चांद और चांदनी, मिस लंका, छोटे साहिब और इसके साथ साथ चकोरी फिल्म में भी इन्होंने काफ़ी पजीराई हासिल की। जबकि इनके कॉमिक रोल को बेहद पसंद किया गया। एज अ सीनियर आर्टिस्ट ये ड्रामा कुद्दूसी साहिब की बेवा में नजर आए और इसके साथ साथ ड्रामा नादानिया में हिदा यासिर, यासिर नवाज और दानिश तैमूर के साथ इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। ड्रामा नादानिया में ये चचा कमाल का रोल अदा कर रहे थे और इन्हें काफ़ी पजीराई हासिल रही चचा कमाल के इस किरदार की वजह से। और यही इनका अंदाज था कि अपनी इतनी ज़्यादा एज के होने के बावजूद इनका कॉमन सेंस की बात की जाए, इनकी एक्टिंग की बात की जाए, तो इन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी और बहुत एफर्टलेसली ज़बरदस्त एक्टिंग करते रहे हैं नादानिया ड्रामे में। इस बात का इंकशाफ हिदा यासिर भी कर चुकी कि इनके साथ काम करना इनके लिए बायसे फ़ख्र इसलिए भी था कि इनकी उम्र के आखिरी हिस्से में भी इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो व्यूअर्स, इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1965 में किया था, तो इनकी फैमिली इनके साथ ही रही हमेशा से और इनके वालिद नॉन आर्टिस्ट थे। इसी तरह इनकी वालिदा भी। बात करते चलें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो व्यूअर्स, ये मैरिड हैं और इनकी अहलिया शोबिस से वाबस्ता नहीं। जबकि इसके साथ साथ व्यूअर्स बात करते चलें इनके बच्चों के बारे में तो इनके बच्चों में से भी कभी कोई स्क्रीन पर नज़र नहीं आया और इनके बच्चे भी जो हैं वो भी बिल्कुल नॉन आर्टिस्ट ही रहे। लेकिन व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली इनके इंतकाल की खबर इनके एक बेटे ने ज़रूर सोशल मीडिया पर भी शेयर की और फैंस के साथ भी कि ये अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। जी हाँ व्यूअर्स, मिर्ज़ा सही जिन्हें आप कई ड्रामास में अभी भी देखते होंगे, आपको नज़र आते होंगे, वो इनके रिकॉर्डेड ड्रामास हैं जिन्हें दिखाया जाता है। इनका इंतकाल हो गया, वो भी 29 सितंबर 2020 को। इनके इंतकाल पर सब लोग बहुत आपदीदा रहे। इनके साथ काम करने वाले तमाम अदाकार इन्हें बेहद याद करते हैं इनके वर्सटाइल अंदाज की वजह से। तो व्यूअर्स, आपको मिर्ज़ा शाही कैसे लगते हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट रहा, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबीज नाउ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह नेकबान।